हे गाइस, देखिए आप सब लोग आप सब लोगों को देखिए, आज की नई रेसिपी है कढ़ी पकौड़ा। और ऐसे बनवाइए और ऐसे देखिए कितने मैंने दिखाया, कितने क्रिस्पी और फूले फूले थे। तो यही कढ़ी पकौड़े हैं। तो गाइस, इनको खूब लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छा लगे तो शेयर करना मत भूलिएगा। आगे से आगे हमारे वीडियो को आइए, नए से नए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे जाके देखिए, चेकआउट ज़रूर करना। और ये नई नई की जो रेसिपी डेली की डेली मिलती रहेंगी। तो चलिए फिर आगे मिलते हैं। हाय एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं नई रेसिपी के साथ में फिर मिलती हूँ। तो धमाकेदार आज लगे, चलिए हमारे साथ। तो चलिए मैं आज कढ़ी पकौड़ा बनाने जा रही हूँ, जिसमें कि देखिए एक कप बेसन है, देख सकते हैं एक चम्मच नमक है, आधी आधी चम्मच हींग है, तीन सौ ग्राम घर का जमा हुआ दही है। मैं गैस के फ्लेम ऑन कर दे रहे हैं। गैस तब तक मेरी कढ़ाई गर्म हो जा रही है। तो देख सकते हैं कढ़ी में मैंने हल्दी एक चम्मच लगाई है, और बस इसको हाथों के हल्के फेंटते हुए मैंने इस पर फेंट दी। जब तक मेरी कढ़ाई हीट हो रही है मैं कढ़ी में मस्टर्ड ऑयल ही लगाती हूँ। मैं गैस की फ्लेम धीमे कर दे रही हूँ। सरसों मस्टर्ड ऑयल ही लगाना चाहिए कढ़ी में, बाकी तो आप रिफाइंड लगा सकते, देसी घी लगा सकते, कुछ भी लगा सकते हो आपकी आप। तो मैंने इस पे लगा दिया, आप मैं इस पे तो देख सकते हैं। देखिए ये हींग है, मैंने इसको लगाया कढ़ी में। मेथी है, जीरा है, देख सकते हैं धनिया है। तो मैं इसको ऐसे कसते हुए, बाकी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो देखिए मैंने कढ़ी पे देखिए हमारा ये बेसन और हमारी ये कढ़ी, मैं बाद में इस पे ऐड करती हूँ पकौड़ी, इसके बाद पकौड़ियाँ। तो देखिए गाइस मैं अब इसमें पानी डाल लूँगी, कढ़ी को पकना पक के पकेगी तो अच्छा रहेगा। चलिए मैं इतना पानी डाल दे रही हूँ, ज़्यादा कम तो देखा जाएगा कढ़ी पकौड़े। तो देखिए मैं एक कप बेसन भी डाल रही हूँ ये पकौड़ी के लिए, कढ़ी पकौड़े के साथ में। तो मैं थोड़ा सा और बेसन ले रही हूँ। देख सकते हैं मैं इतना और ले रही हूँ, मुझे पकौड़े पसंद है। तो देख सकते हैं मैं इसमें पकौड़ी में ये हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, गरम मसाले पाउडर ऐड कर रही हूँ, और स्वादानुसार इसमें नमक भी ऐड कर रही हूँ। तो चलिए देखिए मैं पानी ऐड कर रही हूँ, मैं इसको मिला के
चलो मिला लेते हैं फिर। तो देखिए हम इस कढ़ी पकौड़े इसमें डाले जाएंगे, तो मैं इसको जब तक मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख लेती हूँ ताकि इसके अच्छे से फूल के बड़े बड़े गुब्बारे के जैसे होंगे, बहुत अच्छे लगेंगे। तो देख सकते हैं गाइस ये चिली फ्लेक्स हैं, मैं इनको आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना आप करो खाएं, मैं तो थोड़ा सा तीखा ही खाती हूँ, तो मैं अभी इसको ऐसे चला दूंगी और कढ़ी में जब तक ये पकती है जब तक मैं रेडी कर ले रही हूँ कढ़ी पकौड़े के लिए। तो चलिए अब आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ में। तो देखिए देखिए एक कोटी प्याज की है, 4 लाल मिर्च हैं, 5-6 कलियां हैं लहसुन की। तो देख सकते हैं मैं इस पे मस्टर्ड ऑयल चढ़ा दी, गैस पे रख दिया है और इस पे मैं हमारा 10 मिनट तक हो चुका है, मैं रेस्ट हो गया है। अब मैं इसको इस तब तक जब तक ये गर्म हो रहा है तब तक मैं इस पे फेंट लेती हूँ। तो मेरा तेल हीट हो चुका है, देखिए मैं एक एक करके पकौड़े चलिए जब तक मेरा ये हो रहा है मैं जब आप लोग बने रहिएगा, कढ़ी पकौड़ा इसी तरह बनाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, मैं इनको पलटा रही हूँ और आप सब लोग इसी तरीके से कढ़ी और पकौड़े की कढ़ी अलग होती है, फुलौरी अलग होती हैं और पकौड़ियाँ अलग होती हैं और पकौड़े अलग होते हैं। तो इसकी ये रेसिपी कढ़ी पकौड़े की है, आपको धमाकेदार ऐसी ज़बरदस्त आपको मिलेगी। और देखते रहिए हमारे ब्लॉग में। तो चलिए मैं निकाल लेती हूँ इनको, अभी हमारे पकौड़े देख सकते हैं देखिए कितने गोले गोले से फूले, देखिए कितने फूले हैं, कितने करारे कैसी हैं देख सकते हैं आप गाइस, आप सब लोग इसी तरह बनाना चाहिए। चलिए मैं दूसरा स्टेप डाल रही हूँ। तो गाइस क्या है दोस्त, जिसमें कि गाइस ये लग जाता है कि इसमें 250 ग्राम तो केवल पकौड़े में ही बेसन लग जाता है और समथिंग 200 ग्राम के लग समथिंग उसमें लग जाता है कढ़ी में, तो दोनों को मिला के 450 ग्राम के समथिंग बेसन लगता है तब कब कढ़ी पकौड़े बन पाते हैं। और तो हमारे ब्लॉग में रहिएगा, देखते रहिए आगे क्या क्या होता है, ज़बरदस्त रेसिपी है, आप लोग ऐसे बनाइए ऐसे खाइए। तो चलिए ये भी हमारा देखिए मैं पलट दे रही हूँ तो दूसरी तरफ भी सिकाई हो जाए इसकी, और ये भी बनने वाले हैं, बस इनको 2 मिनट से ज़्यादा अब नहीं लगेगा और बस रेडी हो गए हैं। देखिए हमारे दोनों बन चुके हैं, मैं इस गैस की फ्लेम को बंद कर रही हूँ और मैंने जैसे कि दिखाया देखिए कितने पकौड़े इस पर पड़ते हैं। तो अभी मैं कढ़ी में डालूंगी, अभी दिखा रही हूँ आपको। तो मैंने देखिए मैंने इसमें
पकौड़े डाल दिए और कढ़ी रेडी हो रही है। तो जब तक मैं इस पर तो मैं गैस की फ्लेम बंद कर दे रही हूँ और कढ़ी को इस पर देखो इस पे मैं वाइन डालने जा रही हूँ। छोटू हाँ धनिया के निकालो एक गिलो साफ निकालो। धनिया हरी धनिया काली वाली की हरी वाली काली है अरे तुम नहीं जानती होगी काली वाली फालतू तो दिमाग ना खराब करना ठीक है ना। हाँ कौन सी काली वाली काली होती है धनिया की हरी होती है हरी होती है। हाँ तो नहीं बांधे होगे कसीर के ज्यादा नहीं लाया करेंगे ज्यादा ले आते हैं तो दो दो गट्टी तो पक जाती है। ये गाइस देखिए ये हमारा इसका मैं डाल रही हूँ इस पे गाइस देखिए हमारी ये कढ़ी पकौड़े बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में और 5-star होटल की तरह ये कढ़ी पकौड़े हैं। देखिए कितनी अच्छी टेस्टी है। तो चलिए आप आगे मिलते हैं फिर। तो भाई हमारी रेडी हो गई हमारी कढ़ी पकौड़े। तो देख सकते हैं आप हमारी कढ़ी पकौड़े रेडी हो गए। देख सकते हैं कितनी मस्त और अच्छी है रेसिपी। ऐसे आप बनवाइए और खाइए बहुत अच्छी लगती है रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो आप ज़रूर हमारे चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेकआउट करना और देखना कढ़ी पकौड़े की यही रेसिपी मिलेगी और खूब मस्त मस्त अच्छी लगेगी। तो अच्छी लगे तो यार लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे वीडियो को प्यार सपोर्ट खूब दीजिएगा। तो चलते हैं फिर आगे मिलते हैं।